तो गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पतालों के बोझ को कम करने के लिए केनविन फाउंडेशन ने अपनी सेवाओं में विस्तार किया है। फाउंडेशन ने गुरुग्राम के पटौदी चौक पर अपने पांचवें पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया है। गुरुग्राम वासियों को नए साल के पहले दिन ही केनविन फाउंडेशन प्रबंधन ने केनविन सेवा पॉलीक्लिनिक का तोहफा दिया है। केनविन का ये पांचवा पॉलीक्लिनिक था। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव और बीजेपी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य सुधा यादव ने इस पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कहा कि सस्ती दर पर इलाज देने के लिए केनविन फाउंडेशन ने अपनी इस शाखा का शुभारंभ किया है। इससे गरीब लोगों को काफी फायदा होगा। महज 100 रुपए में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सेवाएं लोगों को मिल पाएंगी। ऐसे मेरे प्यारे, ये बिल्कुल ठीक कहा कि लगातार हम उद्घाटन में आ रहे हैं और वो भी डीपी गोयल, नवीन गोयल इनके द्वारा संचालित होने वाले जो कार्य हैं उनके उद्घाटन समय समय पर करने का अवसर मिल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि एक साल के अंदर अंदर कमाल हो गया है कि ये पांचवा पॉलीक्लिनिक है। मतलब ये केनविन फाउंडेशन अपने आप में इतना सुंदर इनका फाउंडेशन बना हुआ, जिसके माध्यम से सुंदर इसलिए कि सुंदर कार्य हो रहे हैं। परमात्मा इनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। देखो बात ये है कि पीछे आरोग्य धाम इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक 7 मंजिला हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन हुआ। अपनी आदरणीय सम्माननीय सुधा जी भी वहाँ मौजूद थी जब हमारे राज्यपाल महोदय पधारे थे। एक अद्भुत कार्यक्रम वहाँ पर संपादित हुआ। लेकिन जो कार्य हुआ है, जो हो रहा है अब, वहाँ सैकड़ों सैकड़ों लोग रोज आकर के ओपीडी हो रही है और लाभ उठा रहे हैं। देखिए, केनविन फाउंडेशन स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे शहर के अंदर अच्छा काम कर रहा है। आज आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी हमारे बीच में है, हमारे CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं और केनविन फाउंडेशन के संस्थापक डीपी गोयल जी और उनके छोटे भाई नवीन गोयल जी, इन्होंने ये आज जो पॉली क्लिनिक खोला है, नए वर्ष के आगाज के साथ में नए काम का शुभारंभ जो किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से इन दोनों को हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं केनविन फाउंडेशन के संस्थापक और सह संस्थापक ने कहा कि गुरुग्राम में एक बड़ा हिस्सा मध्यवर्गीय और मजदूर तबके के परिवार रहते हैं, जो महंगे बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं ले पाते। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में अधिक भीड़ होने के कारण लोगों को परेशान होना पड़ता है। लोगों को समय पर और सस्ती दर पर इलाज मिल सके, इसके लिए पॉलीक्लिनिक और आरोग्याधाम अस्पताल को संचालित किया जा रहा है। आज पॉलीक्लिनिक की पांचवी शाखा की शुरुआत की गई है। अच्छा इलाज है, लोगों की पॉकेट के लिए फ्रेंडली हो, उस विषय पे हम काम कर रहे हैं और निरंतर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। और जो नवीन भाई का सपना है गुड़ागांव की तरक्की, विकास, उन्नति, उसमें समस्त समाज का होना बहुत ज़रूरी है, तो केनविन फाउंडेशन उसी मकसद से आगे बढ़ रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज 1 जनवरी 2024 को हमारे पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन होगा। और आज जो केनविन सेवक पॉलीक्लिनिक आज पाँचवा खुला है, जो कि आप पूरे गुरुग्राम वासियों के आशीर्वाद से केनविन आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सहयोगी के तौर पर काम कर रही है। तो पटौदी रोड, खांडसा रोड के बीच की आसपास की 20 कॉलोनियाँ, जो 4-8 मरला का एक सेंटर बनता है तिकोना पार्क के आसपास, तो यहाँ पर कटारिया बिल्डिंग में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कटारिया साहब का भी। बता दें कि लोकार्पण कार्यक्रम पटौदी पुलिस चौकी के पास ही गुरुवर फार्म हाउस में हुआ। इस पॉलीक्लिनिक का क्षेत्र के आसपास की 20 से अधिक कॉलोनियों को लाभ मिलेगा।